बाइक लेकर घर से बाहर जाता है। मम्मी, मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ, एक घंटे बाद लौटूंगा। थोड़ी देर बाद रोहन की मम्मी के पास फोन आया। अपने लड़के को छुड़ाना है तो 1,00,000 रुपए भेज दो। मैं पुलिस को फोन करूंगी। मैं पुलिस वाला ही बोल रहा हूँ, आपके लड़के का चालान कट गया है, बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था। रोहन की मम्मी रोहन के लिए लड़की देखने जाती है। हमें लड़का पसंद है, आपकी अगर कोई मांग वांग हो तो बता दीजिएगा। देखिए, हम बहुत शरीफ लोग हैं, हमारी कोई मांग वांग नहीं है, बस हमारे बेटे के जितने चालान कटे हैं वो आपको भरने हैं। हम तो मोटरसाइकिल भी नहीं चाहते, हमें बस एक गधा दे दीजिए। कभी इन दोनों को कहीं जाना होगा तो उसी पर बैठकर चले जाएंगे, कम से कम ट्रैफिक चालान की तो दिक्कत नहीं होगी। रोहन की शादी हो जाती है। एक दिन रोहन सूट बूट पहनकर हेलमेट लगाकर अपने घर के बाहर गधे पर बैठकर अपनी पत्नी को पुकार रहा होता है। अरे जल्दी टिफिन लेकर आओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। रोहन की पत्नी टिफिन लेकर बाहर आती है। अरे गधे पर हेलमेट लगाने की क्या जरूरत है? अरे पुलिस वालों का कुछ पता नहीं, फालतू में रिस्क क्यों लेना। रास्ते में बच्चे उसे देखकर हंसी बनाते हैं। देखो अंकल गधे पर बैठकर ऑफिस जा रहे हैं। एक दिन रोहन की पत्नी उससे कहती है, सुनो जी, गधे पर जाकर तुम अपना टाइम खराब क्यों करते हो? आस पड़ोस में सब जगह हमारी बेइज्जती होती है, बाइक निकालो, मैं तुम्हें ट्रिक बताती हूँ। रोहन की पत्नी रोहन को एक सुई लाकर देती है। इस सुई को हमेशा अपने साथ रखो, अगर कभी भी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला दिख जाए तो ये सुई टायर में घुसा देना और टायर पंक्चर कर देना और गाड़ी को घसीट कर पुलिस वाले के सामने से निकल जाना। पंक्चर तो मात्र 20 रुपए में जुड़ जाएगा, लेकिन ट्रैफिक चालान में तुम्हें 30,000 रुपए भरने पड़ेंगे। अब रोहन जब भी किसी पुलिस वाले को देखता तो तुरंत ही टायर पंक्चर करके गाड़ी पैदल पैदल चलाकर ले जाता। कुछ समय बाद रोहन कार खरीद लेता है। एक दिन रोहन अपने ऑफिस से लौट रहा होता है। रोहन बाहर देखता है कि एक लड़का सीट बेल्ट वाली टी शर्ट बेच रहा होता है। ये लो सीट बेल्ट वाली टी शर्ट पहन लो और सीट बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है। रोहन गाड़ी से उतरकर तुरंत टी शर्ट खरीद कर पहन लेता है। रोहन सीट बेल्ट हटा देता है और सीट बेल्ट वाली टी शर्ट पहनकर गाड़ी चलाने लगता है। अब देखो मैं कैसे ट्रैफिक पुलिस वालों को उल्लू बनाता हूँ। रोहन ट्रैफिक पुलिस वाले को उल्लू बनाकर उसके सामने से निकल जाता है। फिर एक दिन रोहन अपने बेटे को स्कूल से लेकर लौट रहा होता है। रोहन ने ना ही सीट बेल्ट लगाया होता है और ना ही सीट बेल्ट वाली टी शर्ट पहनी होती है। ट्रैफिक पुलिस वाला रोहन को रोक लेता है। तुमने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगा रखी है? 30,000 का जुर्माना भरो। अरे सर, मेरे बेटे को बहुत तेज सूसू लगी थी, इसीलिए मैं सीट बेल्ट लगाना भूल गया। बहाने मत बनाओ। अरे मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, मैं अभी अपने बेटे से पूछवा देता हूँ। बताओ छोटू, तुम्हें सूसू लगी थी या नहीं? नहीं, मुझे तो सूसू नहीं लगी थी। अरे इसे सूसू लगी थी, रोजाना इसी समय सूसू करता है। फिर एक दिन रोहन अपनी पत्नी के साथ बाजार जा रहा होता है। रोहन ने फिर सीट बेल्ट नहीं लगाई होती। फिर पुलिस वाला रोहन को पकड़ लेता है। आज फिर तुमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, हैं? अरे सर चालान मत काटिएगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। कार लेकर घूम रहे हो और खुद को गरीब कहते हो। अरे सर ये कार तो मैंने लोन पर ली है। नहीं, मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अरे सर मेरी सांस मरने वाली है, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, इसीलिए मैं सीट बेल्ट पहनना भूल गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी मम्मी को मारो, मेरी मम्मी को क्यों मारते हो? अरे हाँ सॉरी, वो मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। इस तरह रोहन फिर एक बार बहाना बनाकर निकल जाता है। रोहन जब आगे रोड पर जा रहा होता है तो उसका फोन आ जाता है। रोहन का ध्यान फोन पर चला जाता है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है। रोहन गाड़ी के बाहर गिर पड़ता है और उसकी पत्नी के माथे पर भी चोट लग जाती है। तब रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, काश मैंने सीट बेल्ट पहन रखी होती। हाँ, ट्रैफिक रूल्स हमारी सुरक्षा के लिए ही होते हैं, इसलिए हम सभी को उनका पालन करना चाहिए। ये कहानी है चमन पेठे वाले की। चमन एक खेड़ गांव में रहता था।
चमन के पास एक छोटी सी जमीन थी जहां वो कद्दू उगाया करता था। जब कद्दू हरे हो जाया करते थे तो वो उन्हें अपनी पत्नी नलिनी को दे दिया करता था और नलिनी को कद्दूओं को काटकर चाशनी बनाकर उसमें कद्दू डालकर कड़ी आंच पर पकाना पड़ता था। तब जाके चमन के मशहूर पेठे बनते थे। चमन इन पेठों को बाजार में ले जाया करता था। पेठे ले लो, पेठे ले लो, आगरा के पेठे, चमन के स्वादिष्ट पेठे, एक बार खाओगे बार बार आओगे, चमन के स्वादिष्ट पेठे ले लो। जैसे ही चमन आवाज लगाता, आसपास के सारे ग्राहक उसी के पास दौड़े चले जाते थे और बाजार के दूसरे व्यापारियों को चमन एक आंख नहीं भाता था। उन सब को चमन से जलन थी। चमन अक्सर ये सोचता था, मेरे पेठे इसलिए अच्छे बनते हैं क्योंकि मैं कद्दू खुद बड़ी मेहनत से उगाता हूँ। एक बार चमन अपने घर लौट ही रहा था कि अरे चमन बेटा। अरे मामा जी आप। कितने दिन से तुम्हें याद कर रहा हूँ, अब जाके तुम मिले हो, चलो घर चलते हैं। चमन अपने दूर के मामा के साथ उनके घर गया। पल्लवी जरा पानी ले आओ। अभी लाई बाबा। पल्लवी बहुत खूबसूरत थी। जब वो पानी लेकर आई तो चमन उसको एक टक देखता ही रह गया। अरे पानी पियो बेटा। हाँ मामा जी। और बताओ क्या हाल चाल, व्यापार कैसा है? आपके आशीर्वाद से सब अच्छा है। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए लेकिन अब तक कोई औलाद नहीं है। मैं भी उसी दिन की राह देख रहा हूँ जब मेरे घर में किसी बच्चे की किलकारियां गूंजे। तो समस्या क्या है, दूसरी शादी कर लो। मुझे कौन लड़की देगा? तुम हाँ तो बोलो, मैं अपनी बेटी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चमन को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। चमन घर गया और उसने नलिनी की ओर देखा। एक नलिनी है जो बदसूरत है और उसके चेहरे पर झुर्रियां भी हैं, और एक पल्लवी है जो इतनी खूबसूरत है। एक महीने बाद एक मंदिर में चमन और पल्लवी की शादी हुई। फिर वो लोग घर पहुंचे और अपने पति की दूसरी पत्नी देखकर नलिनी जोर जोर से रोने लगी। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपने दूसरी शादी कर ली? तुम मुझे अब तक एक बच्चा नहीं दे पाई, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब निकलो मेरे घर से। नलिनी रोते हुए वहां से निकल गई। चमन की नई पत्नी पल्लवी हमेशा सस्ती संवरती रहती थी। चमन को पल्लवी बहुत पसंद थी। फिर एक दिन, ये कद्दू लो और पेठे बना दो, कल से मैं वापस पेठे बेचने जा रहा हूँ। ठीक है जी। पल्लवी ने कद्दू काटे और फिर चाशनी पकाने लगी। अरे बाप रे, इसकी गर्मी से तो मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इन सबको डाल देती हूँ, बाद में बंद कर दूंगी। पल्लवी ने कद्दूओं को चाशनी में डाला और छोड़ दिया। अगले दिन चमन सारा पेठा बेचने निकल पड़ा और हमेशा की तरह जैसे ही उसने आवाज लगाई, सारे ग्राहक उसकी ओर खींचे चले आए। पेठे ले लो, पेठे, पेठे ले लो, आगरे के पेठे,
चमन के स्वादिष्ट पेठे। एक बार खाओगे बार बार आओगे। चमन के स्वादिष्ट पेठे ले लो। चमन घर गया। सारे पेठे बिक गए, और बना दो। पल्लवी ने फिर से कद्दू चाशनी में डालकर छोड़ दिया। अगले दिन चमन फिर से पेठे बेचने निकला। पेठे ले लो, आगरे के पेठे, चमन के स्वादिष्ट पेठे। एक बार खाओगे बार बार आओगे। चमन के स्वादिष्ट पेठे ले लो। लेकिन इस बार कोई भी ग्राहक चमन के पास नहीं आया। चमन सोचने लगा, अरे ये क्या, ग्राहक आ क्यों नहीं रहे हैं। चमन शाम तक बैठा रहा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। कितना खराब दिन है, एक भी ग्राहक नहीं आया। लेकिन ऐसा क्यों, कहीं पेठे में कुछ गड़बड़ तो नहीं। चमन ने अपना एक पेठा उठाया और चखा। थू 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 थू, इतना बेकार स्वाद, छी। इसीलिए कोई ग्राहक नहीं आया। चमन को पल्लवी पर बहुत गुस्सा आया। वो सीधे घर गया। पल्लवी पल्लवी, ये क्या है, ऐसे कोई पेठा बनाता है, कद्दू पके तक नहीं है। मुझे जैसा आता था मैंने बना दिया, और मैं उस चूल्हे के पास सारा समय बैठकर इन कद्दू को पका नहीं सकती। मेरा चेहरा काला हो जाएगा, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। तुम्हें अपने मेकअप और चेहरे की पड़ी है, और मेरा व्यापार, उसका क्या। वो आप देखिए, आपका व्यापार है, आप खुद ही पेठे बना लीजिए। तुमसे लाख गुना अच्छी नलिनी थी, उसने मुझे कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, और उसके पेठे कितने स्वादिष्ट थे। मैं ही मूर्ख था जो तुमसे शादी की। अगर आपने मुझसे शादी पेठे बनाने के लिए की थी, तो आप मुझसे पहले बता देते, मैं शादी ही नहीं करती। मैं जा रही हूँ अपने बाबा के घर। पल्लवी घर छोड़कर चली गई, और अब चमन अपनी गलती पर पछता रहा था। ये सब मैंने क्या कर दिया, हाय। चमन को खूबसूरती के चक्कर में अपनी पहली बीवी से भी हाथ धोना पड़ा। इसलिए बच्चों, कहते हैं कि असली खूबसूरती रंग रूप में नहीं, बल्कि गुणों में होती है।